हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर स्थित 200 बिस्तर वाले महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर में ऑक्सीजन की कमी से एक मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि वे बार बार ऑक्सीजन की मांग करते रहे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी बताकर रात से सुबह 11 बजे तक ऑक्सीजन नहीं मिला, जिससे मरीज की मौत हो गई। चिकित्सालय मरीजों के तीमारदारों ने आरोप लगाया कि मरीजों की जाँच करने समय पर चिकित्सक नहीं आ रहे हैं, जिससे मरीजों की हालत बिगड़ रही है। उन्होंने बताया कि जब ऑक्सीजन पहुंचाया गया तो रेगुलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केवल ऑक्सीजन वाले मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाया और चिकित्सक चिकित्सालय में दाखिल मरीजों को देखने समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे मरीजों की दशा बदतर हो रही है। रामपुर शैली गाँव के पूरन शर्मा ने बताया कि वे अपनी मां को बीमार लाचार होने के कारण चिकित्सालय ले आए। शाम को इमरजेंसी में मरीज को एडमिट किया गया। शाम चिकित्सकों एवं नर्सिस ने उनकी देखभाल ठीक की, लेकिन रात ऑक्सीजन खत्म हो गया और वे बार बार ऑक्सीजन के लिए भटकते रहे। सुबह भी लगातार ऑक्सीजन की मांग करते रहे, लेकिन ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हुई, जिस कारण उनकी माँ की सुबह 11 बजे मौत हो गई। मेरा नाम पूरन शर्मा, मैं शोली से हूँ, ग्राम पंचायत शोली से, नंदकी तहसील से। तो कल मेरी मदर को घर में थोड़े से बीमार हो गए, लाचार हो गए, उनके हाथ पैर थोड़े से सुन से हो गए थे। हम रामपुर ले आए, यहाँ पे एडमिट कर दिया इमरजेंसी में। शाम को जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे उन्होंने भी जितना हो सकता था किया, फिर नर्सों ने खूब साथ दिया, उन्होंने भी रात भर सेवा की। क्या हुआ, शाम को इनको ऑक्सीजन सिलेंडर लग गया था, रात से फिर वो बंद हो गया। ऑक्सीजन यहाँ कमी है, सारे है, एक सिलेंडर था यहाँ और फिर इनके पास रेगुलेटर भी नहीं सिलेंडर के, तो रात को उतर गया। सुबह फिर डॉक्टर के पास हम खुद गए, डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने टेस्ट लिखे, टेस्ट के लिए गए, सीटी स्कैन के लिए हम चले गए थे। उसके बाद इनकी सांसें तेज चलने लगी, तेज चलने के बाद फिर सिलेंडर के लिए बोला, हम गए थे कि वे सिलेंडर दे दीजिए हमें, तो कहने लगे कि वह सिलेंडर अभी है नहीं, आ रहे हैं कहीं से। और सुबह से ना डॉक्टर आए, अभी तक शाम से डॉक्टर यहाँ नहीं आए मरीज को अटेंड करने, इन्हीं को नहीं, जितने भी वार्ड में पेशेंट है किसी को उन्होंने अटेंड नहीं किया अभी तक। तो ऑक्सीजन यहाँ से मांगा, वो भी खत्म हो चुका था। मेरे पड़ोसी थे, इनके भी पेशेंट है, इन्होंने भी दे दिया भाईचारे में, लेकिन उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी और वो काम ही नहीं कर रही थी। बस ऑक्सीजन लगाते लगाते 11:15-20 मिनट पे ये एक्सपायर हो गए। तो चिकित्सालय में भर्ती श्याम दासी ने बताया कि कई बार उन्हें सांस की दिक्कत हो रही है, जब वे ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं तो उन्हें ये बताया जाता है कि रुक जाओ, आपको थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार क्या कर रही है, ऐसी हालत में यहाँ भर्ती होकर क्या करना है, सरकार इस पर ध्यान दे। ठहरो 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 ठहरो, मिल जाएंगे, मिलते मिलते आज मेरी गुड़िया बाहर जाऊँ तो बाहर अंदर हो जाती है, मेरा ज्यादा सांस फूल जाता है। तो सिलेंडर मांगा आपने क्या? मैं क्या ये बार क्या बोलते हैं, अभी नहीं, अभी सिलेंडर खाली नहीं है, अभी ये नहीं भरो, ये यहाँ लगवा, ये यहाँ लगवा, मशीन लिया इस पर एक गाड़ी लेना, हमारे को चाहिए वो भी जोड़ दिया हमने, हमारे को मशीन में छोड़ दी, बोल तो हम क्या करना है, यहाँ सरकार क्या करती है, कैसी सरकार है, यहाँ आगे जाना पड़ेगा, कहीं सरकार ढूंढने मेरे को जाना पड़ेगा। यशवंत कुमार ने बताया कि अपनी मां को कुमार सेन से शिमला के बजाय रामपुर लेकर आए, कहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी रास्ते में मौत ना हो, लेकिन यहां आने के बाद चिकित्सक कोई सुध नहीं ले रहे हैं। सेवाराम ने बताया कि उनको ऑक्सीजन लगा है, लेकिन सिलेंडर में रेगुलेटर खराब है, कुछ भी पता नहीं चलता है कितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, एक ही रेगुलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को कई जगह घुमाया जा रहा है। बहुत सारे रेगुलेटर खराब ही है, एक लेता है 10 जगह पे बदल निकलता है और चलता ही नहीं है, बंद है तो बंद ही है, चलो फिर भी चालू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, कोई सिस्टम नहीं है ना, इसमें बताता है टेम्परेचर कितना चलना चाहिए ना, इसमें कुछ बताता है, एक रेगुलेटर 6 जगह लगाता है, रात भर वहाँ पे गैस सिलेंडर ऐसे ही लीक हो गए, 2 सिलेंडर वैसे ही लीक हो गए, वैसे ही चल रहा। किसान नेता बिहारी सेबकी ने बताया कि महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर में एक मरीज की मौत हो गई। उनके मरने के कारणों का पता चला तो उन्हें समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला। उन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रेगुलेटर जो होते हैं उनकी भी कमी है, और दूसरा जो सॉकेट बिजली उपकरण लगाने के होते हैं सारे वायरिंग खराब है, जिससे काफी दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 4 जिलों को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले चिकित्सालय की सरकार सुध ले।
आज महात्मा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल खनेरी में एक पेशेंट की मृत्यु हो गई है जो कोरोना पेशेंट नहीं था। जब कारणों का पता चला तो उनके लिए समय पर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिली है, जिसमें ये भी पता चला कि जो ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाले उस पर रेगुलेटर्स वगैरह होते हैं उसके पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और दूसरा जो बिजली की सप्लाई जहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए होता है वो जो उनके सॉकेट वगैरह भी ख़राब पड़े हैं। तो हमारा प्रशासन से और स्टेट गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि खनेरी हॉस्पिटल के लिए पूरा ध्यान दें। वो यहाँ पर 3 जिले के लोगों का उपचार होता है, सप्लाई जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको भी पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए, और जो रेगुलेटर वगैरह अगर कोई ख़राब पड़े इंस्ट्रूमेंट उसको भी तुरंत वो वहाँ पर दे, और साथ में जो मेडिकल स्टाफ है जो प्रॉपर केयर करे वहाँ पर पेशेंट की भी, इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव निर्देश है तुरंत दें ताकि लोगों को मेडिकल फैसिलिटी समय पर मिले, यही हमारा सरकार से अनुरोध है। महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिषद खनेरी के COVID-19 प्रभारी डॉक्टर कुमार नेगी ने बताया कि वर्तमान में जितने भी मरीज हैं उनके हिसाब से ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन जिस तरह आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी की संभावना उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कई बार बीच में तकनीकी समस्या आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास है। अभी करंट सिचुएशन में जितने हमारे पास पेशेंट हैं उसके हिसाब से हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई है, बट हम फ्यूचर को देखते हुए जिस तरह से अभी पूरे हिंदुस्तान में जो करंट सिचुएशन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी चल रहे हैं उसके लिए जो है हमने इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने भेज दी है, बट जो इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास जितने भी पेशेंट है उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई अभी है।